जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनी शिबन आजम आप सबका खैर मुकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पीपी लिनो वैक्स की गाड़ी लोड करने वाले हैं बारामती से सूरत गुजरात के लिए, और इसका ओवरऑल डिस्टेंस है 523 किलोमीटर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये 523 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमने एक बड़ी कंटेनर को हायर किया है, और आप देख पा रहे होंगे इसमें नागालैंड का नंबर है, यानी कि ये जो कंटेनर है ये नागालैंड से आई हुई है। और अब आप देखिए कितनी बड़ी कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी हैक बता देता हूँ। मैं अक्सर वीडियोस में व्यापारियों को कहता हूँ कि एम्प्टी रिटर्न गाड़ी देखिए, उसमें कम गाड़ी भाड़ा लगेगा। अब कैसे और क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। आप सबको तो ये पता होगा कि अगर बारामती से यानी कि पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से सूरत गुजरात का जो 550 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस है उसका भाड़ा मोटा मोटी इतने बड़ी गाड़ी का आराम से 25 से 30 हज़ार होगा, पर इस तरह की गाड़ी में जो एम्प्टी गाड़ी होती है, जो रिटर्न गाड़ी होती है, ये 10 से 12 हज़ार में आ जाती है। तो इससे व्यापारी का फायदा होता है। तो इसी तरह के आप भी एम्प्टी गाड़ी देखिए और इसमें अपने माल को लोड कीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन में 2 पैसा बचेगा तो आपके जेब में 2 पैसा बचेगा। चलिए अब बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। आंधे खट्टा उधर संभाल, आंधे दोस्त गेट दे, गेट 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 लगेगा संभालना, गेट थोड़ा और अंदर लेना पड़ेगा। अनुरा बाबू जाओ थोड़ा गेट और दस सेकंड में जाओ। अनुरा जाओ जानवर उठा के लो अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम पीपी लिनो बैग की स्क्रैप की गाड़ी लोड करने वाले हैं। पीपी लिनो बैग, जैसे कई लोग कांधे वाली बोरियां और बटाटे वाली बैग्स या बोरियां भी कहते हैं, पीपी लिनो बैग की डिमांड बहुत हाई रहती है मार्केट में, क्योंकि पीपी मार्केट में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर का स्क्रैप पाया जाने वाला होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस पीपी लिनो बैग में कई ग्रेड और क्वालिटीज़ आते हैं। इनमें जिसके GSM कम होते हैं, जो पतले होते हैं, उनका रेट अलग होता है, और जिसके GSM मोटे होते हैं यानी कि जो मोटा में होता है, आकार में, थिकनेस में मोटा होता है, उसकी क्वालिटी और रेट अलग होती है। ये पूरा GSM में निर्भर करता है। पर मुद्दे की और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि ओवरऑल किस तरह MS ट्रेडर के साथ फ्रॉड हो सकता था और MS ट्रेडर उस फ्रॉड से बचा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पीपल लिनो बैग की गाड़ी लोड करने का मेरा और खान साहब का कोई विचार नहीं था, क्योंकि हमारा लक्ष्य FCI बैग्स को लोड करने का था। 4 महीने पहले हमारा एक व्यापारी है जिसने हमें एडवांस भेजा, और उसने एडवांस अपने मर्ज़ी से भेजा, क्योंकि लिनो बैग का लॉट रेगुलर बेसिस पे कई कंपनी में हमारे पास आता है, पर FCI का लॉट जो है 2 महीने आएगा तो 3रे महीने नहीं आएगा, 4थे महीने नहीं आएगा, कभी कभी 5-5 महीने नहीं आएगा, और कभी कभी आएगा तो कंटिन्यू तो हर 2रे महीने में आता रहेगा। तो ऐसे में ये व्यापारी ने हमारे वीडियोस देखे थे और इनने हमसे संपर्क किया ये कहते हुए कि मोनीश भाई, खान साहब, मुझे FCI बैग आपसे ही लोड करना है, 5 या 6 महीने बाद भी आएगा तो कंसाइनमेंट आप हमें ही दोगे। और उस बंदे ने हमें पैसे दिए, एडवांस हमारे पास दिया, पर उस बंदे ने कभी भी एडवांस के लिए हमें फ़ोन नहीं किया। 2 महीने में या 1 महीने में एक बार उसका फ़ोन आता था और यही पूछता था, खान साहब FCI बैग का कुछ हुआ? अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, जब भी आएगा तो मुझे याद रखिएगा।
और ऐसे में कहीं ना कहीं हमें इमोशनल प्रेशर था कि एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है कि भैया किसी का एडवांस हमारे पास है और हमें जितनी जल्दी हो सके इसका एडवांस इसे झुकाना है। इसी के लिए हमारा पहला प्रावधान, पहला लक्ष्य FCI बैक पे था। पर जब हमारी बात हमारे स्क्रैप कोऑर्डिनेटर से हुई तो वो स्क्रैप कोऑर्डिनेटर ने खान साहब और मुझसे ये कहा कि खान साहब आपकी ही दी हुई एक पार्टी है जिसके टच में मैं हूँ और उसे लीनो बैग की रिक्वायरमेंट है, वो गाड़ी लोड करवाना चाहता है, क्या आपकी नज़र में कोई लीनो बैग स्क्रैप है? तो खान साहब ने जब उस स्क्रैप कोऑर्डिनेटर से बात की तो हाथों हाथ मुझसे खान साहब ने कहा कि स्कोर बोर्ड पर एक बार नज़र डाल, इस बंदे की गाड़ी कितनी निकली है वो देखना है हमें। और जब हमने स्कोर बोर्ड पर डाला तो हमें पता चला कि ये बंदे की परफॉर्मेंस पहले बेहतर थी पर कुछ महीनों से इसकी एक भी गाड़ी नहीं निकल रही है। तो उसका मोरल डाउन ना हो, उसे आत्मविश्वास के जगाने के लिए हमने उसके गाड़ी को पहला लक्ष्य दिया, प्रावधान दिया और लीनो बैग की तलाश में निकल गए। हमने हमारे स्क्रैप कोऑर्डिनेटर से कहा कि इस व्यापारी का इतिहास कुछ बेहतर नहीं है हमारे साथ और इस व्यापारी का चाल चलन हम क्या लोकल के जितने व्यापारी वो सब जानते हैं, इसी के लिए तो इस व्यापारी से एडवांस ले। और एडवांस लेने के बाद गाड़ी का अरेंजमेंट करा। जब एडवांस ले लिया गया, गाड़ी का अरेंजमेंट करा लिया गया और गाड़ी जब हमारे नज़दीक आने लगी तब मैंने फ़ोन करके ड्राइवर से बात की और बात करते वक्त हमें एक एक्स्ट्रा आवाज़ भी सुनाई दी तो हमें कहीं ना कहीं शक हुआ। इसी के लिए लोकेशन पे, यानी कि जिस कंपनी से स्क्रैप हम लोड करने वाले थे उस कंपनी में लाने से 2 किलोमीटर पहले उस गाड़ी को रुकवाया गया और हमने ये कहा कि भैया वहाँ से काटा आपको दूर पड़ेगा, वहीं रुक जाओ, हम खुद आते हैं। और मैंने अपने बंदे को वहाँ भेजा। जब मेरा बंदा वहाँ गया तो वहाँ पर गाड़ी में अक्सर 2 व्यक्ति होने चाहिए, पहला ड्राइवर, दूसरा क्लीनर। पहले का काम है गाड़ी चलाना, दूसरा काम है गाड़ी की साफ़ सफाई, गाड़ी की देखभाल करना और ड्राइवर को दिशा देने में यानी कि लोकेशन ढूंढने में मदद करना। पर तीसरा एक बंदा बैठा हुआ था तो मेरे बंदे ने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई उसमें गाड़ी में तीसरा एक बंदा भी बैठा हुआ। तो मुझे शक हुआ। जैसे ही मुझे शक हुआ मैंने जिस लोकेशन से स्क्रैप को लोड करना था उस लोकेशन को चेंज कर दिया और एक ऐसे कंपनी में लेके गया जिस कंपनी में साल में 1 बार स्क्रैप निकलता है। वो कंपनी बड़ी छोटी है, हालांकि उस कंपनी में जाके मुझे खुद मेहनत करनी पड़ी क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं थे, पर मैंने ये दाव खेला। अब ऐसे में मैंने लोकेशन बदला, गाड़ी का वज़न काटा, एम्प्टी करवाया और गाड़ी को इस कंपनी में लेके गया जो कि आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर मैंने लोडिंग शुरू की। लोडिंग करते करते मेरे जहन में एक ही बात था कि मैं इस बंदे को वेरीफाई करूँगा, अगर ये बंदा वाकई में जेन्युइन है तो मैं यहाँ पे साल में 1 बार माल निकलता है यहाँ से तो मैं लोड करवाऊँगा, फिर मैं दूसरे कंपनी में जाके वहाँ पे भी लोड करवाऊँगा ताकि व्यापारी को 4 से 6 टन माल बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाए। पर जैसे ही ये गाड़ी इस कंपनी के अंदर आई और मैंने कुछ बातें गौर की, यह बंदा जो है इस कंपनी के मैनेजर से, कंपनी के मालिक से बात करने की कोशिश कर रहा था, रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, पर उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि यहाँ पर साल में 1 बार स्क्रैप निकलता है। बहरहाल मेरा शक यकीन में तब्दील होने वाला था, पर उससे पहले जब मैंने इस व्यक्ति को झाड़ा और झाड़ने के बाद कहा कि यहाँ तुम्हारा क्या काम है गाड़ी लोडिंग के, इधर आप लोग सीधा जाके वहाँ कोने में बैठ जाओ। और जब ब्रेक में मैं उस व्यक्ति के नज़दीक गया और उससे पूछा कि भैया यार ये ड्राइवर है, ये क्लीनर है, तेरा क्या काम है, तू गाड़ी में कौन है, तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ मैं ट्रांसपोर्टर के इधर काम करता हूँ और मैं लोकल इलाके से चढ़ा हूँ पुणे तक, उसके आगे गाड़ी अपने आप आगे चली जाएगी। पर जब मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, उसके पोस्टर को पढ़ा तो उसके हाथ में मुझे एप्पल का वॉच दिखा। अब कोई भी ट्रांसपोर्टर के इधर काम करने वाला एप्पल का वॉच यानी कि 60,000 के करीब का वॉच पहनेगा तो मेरे जहन में ना शक शुमार हुआ और मेरा ये शक आगे चल के यकीन में भी निकला क्योंकि वही व्यक्ति ने उस कंपनी के बोर्ड का फ़ोटो निकाला था और उस कंपनी के बोर्ड पे एक नंबर लिखा हुआ था जो नंबर जो है उस कंपनी का पब्लिक नंबर था जिसे मैनेजर रिसीव करता है और उसी व्यक्ति ने उस मैनेजर से बात करके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। हालांकि वो नंबर उस मैनेजर ने हमारे साथ शेयर किया क्योंकि वो मैनेजर के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और वो नंबर से मुझे वेरीफाई करने मिला कि ये वही बंदा है जिस बंदे ने ये कहा था कि मैं ट्रांसपोर्टर के लिए काम करता हूँ। अब ये मुझे कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि जब उसने ये कहा कि मैं ट्रांसपोर्टर के लिए काम करता हूँ और हैदराबाद रूट में जितनी भी फ्लीट चलती हैं, जितने भी ट्रक्स चलते हैं, उन सब को जो है मैं चैनलाइज करवाता हूँ, तो हमने उसका मोबाइल नंबर लिया और मोबाइल नंबर लेने के बाद उस पर मिस कॉल मारा, नंबर को वेरीफाई किया और उसे कहा कि ठीक है तेरा त्यौहार वगैरह हो जान दे,
त्यौहार होने के बाद जो है तू जब जॉब पे लगेगा तो हम तेरे को फ़ोन करेंगे, हमको गाड़ी अरेंज करके दे। और दोनों भी नंबर मैच हो गए, यानी कि उस बंदे की चोरी पकड़ी गई। और हमें यह साफ पता चल गया कि जो बंदा ट्रांसपोर्टर के इधर काम करने वाला बन के आया था, वही बंदे ने इस कंपनी वाले को फ़ोन किया स्क्रैप की लालच में। और कहीं ना कहीं इसका संबंध उस व्यापारी से जिसको हमारे स्क्रैप कोऑर्डिनेटर के ज़रिए माल जाने वाला है। अब इस व्यापारी की सोच यह थी कि एमएस ट्रेडर जिस कंपनी से माल उठाता है वो कंपनी में बहुत ज़्यादा स्क्रैप निकलते होंगे, हफ्ते में चार चार गाड़ियाँ निकलती होंगी, तो ये कंपनी में 2 रुपये रेट बढ़ा के हम अपने हाथ में ये कंपनी को ले लेंगे और इससे हमारा मुनाफा हो जाएगा। पर उस मुर्ख को ये नहीं पता था कि खान साहब का 35 से ज़्यादा सालों का अनुभव है और मुझे यानी कि आपके भाई मोनिश इब्ने आज़म को 12 साल से ज़्यादा का अनुभव है। तो हमने कई धूप और छांव देखे और हमें पता है कि लोगों को टैकल कैसे करना है, इसीलिए हमने उसकी गाड़ी जो है एक ऐसे कंपनी में लोड करवानी शुरू की जहाँ पर साल में एक बार माल निकलता है। और हमने इतना धीरे धीरे लोड करवाया कि काटा वगैरह करके बिलिंग करने तक शाम के 5:30-6 हो गए। और जैसे ही शाम के 6:45 के करीब हम पहुंच गए, हमने इस ड्राइवर से कहा कि अब यहाँ से आप 50 किलोमीटर दूर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे लेके आओ, वहाँ पे हम लोड करेंगे बची हुई गाड़ी का। तो जो साथ में आया हुआ वो व्यक्ति था उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, गाड़ी में बैठा और वो MIDC के लिए निकल गया, यानी कि उस इंडस्ट्रियल एरिया के लिए निकल गया। और जब उस इंडस्ट्रियल एरिया में वो 1 घंटे बाद पहुँचा तब 7:45 के करीब थे। अब ये बंदा हमें फ़ोन करता और कहता है कि साहब कौन से कंपनी में लेना बताओ ना। तो हमने उससे कहा कि भैया अभी टाइम कितना बज रहा है, 7:45 हो रहे हैं, तो 7:45 कंपनी बंद हो जाती है। अब तुम्हारे पास एक ही पर्याय बचा है, एक ही मार्ग बचा है, वो ये है कि आप अभी गाड़ी लेके अपने व्यापारी के पास चले जाओ। तो व्यापारी और ये सामने वाले व्यक्ति दोनों ने मिलकर हमसे ये कहा कि भैया यार 1750 किलो में क्या लेके जाएंगे, पड़वड़ेगा नहीं, आप लोड कराने का बोल रहे थे, आप लोड क्यों नहीं करा रहे हो, आप अपने जुबान से मुकर रहे हो। तो उस वक्त पे इस व्यक्ति का मैंने रंग देखा, तो मैंने साफ तौर पे कहा और अपने स्क्रैप कोऑर्डिनेटर को भी कहने लगाया कि भैया मैंने तो इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी लेके जाने के लिए आपको कह दिया था, आपके ड्राइवर और आपने मिलकर गाड़ी पहुंचाई 7:45 उस इंडस्ट्रियल एरिया में, क्या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी 6 बजे ही बंद हो जाती है, तो आप 45 मिनट लेट हो। अब कंपनी तो मेरे पिताजी की है नहीं जो मैं रात को खुलवा के आपको लोड करवा दूं, तो आपको कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है, आपको गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। सामने वाले व्यापारी ने हमारे स्क्रैप कोऑर्डिनेटर से कहा कोई बात नहीं गाड़ी रुका दो और कल लोड करना। पर मेरे पास मानस पाटिल का वापर करना मुझे आता है, मुझे बुद्धि का वापर करने आता है, मैंने एक ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में भेजा जहां पे दूसरे दिन वो इंडस्ट्रियल एरिया बंद होता है। मिसाल के तौर पे संडे में गाड़ी लोड कर रहा था और मंडे को वो इंडस्ट्रियल एरिया बंद होता है। अब मैंने उनसे साफ तौर पे कहा कि भैया इंडस्ट्रियल एरिया मंडे के दिन बंद होता है और आप गाड़ी रात को रुकाओगे तो मंडे पड़ जाएगा और मंडे के बाद ट्यूसडे को जो है आप अपनी गाड़ी निकाल पाओगे। अब कोई भी एम्प्टी गाड़ी जो होती है ना, कोई भी एम्प्टी गाड़ी आती है कितनी भी दूर से आती है, तो वो एम्प्टी गाड़ी कम भाड़े में जहां पे मार्केट में 25,000 का रेट चल रहा है वहां पे वो 10,000 में इसके लिए आती है क्योंकि वो मेन सिटी में जाके बड़ा भाड़ा डायरेक्ट लोड करेगी और उसका जो बीच का ये गैप होता है ना वो पूरा करने के लिए डीजल का खर्चा और टोल का खर्चा निकल जाए इसके लिए वो लोकल भाड़ा मारती है। तो ट्रांसपोर्ट वाला यानी कि गाड़ी वाला कुछ भी हो जाए वो गाड़ी रोकेगा नहीं। तो ऐसे वक्त में मैंने दिमाग लगाया, खान साहब ने दिमाग लगाया और हमने इस तरह सामने वाले को कहा कि भैया ठीक है आपको रुकना है तो आप मंगल तक रुकिए, मंगल को मैं लोड करके देता हूं, सोमवार को इंडस्ट्रियल एरिया बंद रहता है। अब उसके पास कोई पर्याय नहीं था गाड़ी लेके जाने के सिवाय और वो बंदा गाड़ी लेके गया। तो ये उन व्यापारियों को सीख है जो इस तरह का पीठ पीछे जाके फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, जो पीठ पीछे जाके आपकी कंपनी हथियाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं इससे सीख हासिल करें और हमेशा अपने बैकअप के लिए अपने पास ऐसी छोटी कंपनियां रखें। छोटी कंपनी रखने का अपना एक फायदा है, देखिए छोटे कंपनी में साल में एक बार क्वांटिटी निकलती है, किसी कंपनी में 6 महीने में, किसी कंपनी में 3 महीने में एक बार निकलती है और यहाँ पे क्वांटिटी कम होने के कारण बड़े व्यापारी यहाँ पे आ नहीं पाते। और खान साहब और मेरा अक्सर कहना है कि जब मार्केट में आप नए हो तो समुन्द्र के बीच में जाके मच्छी मत पकड़ो, बल्कि किनारे पे झींगा पकड़ो यानी कि प्रॉन्स पकड़ो। और मार्केट में झींगा या प्रॉन्स की कीमत क्या है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आप जानते हैं ना कि प्रॉन्स में बंदा कितना कमा लेगा। तो ये छोटे कंपनी में
मार्केट में कम रेट कोट करके भी आप माल उठा सकते हो। जहां पे पीपी लिनो बैग प्लांट वेस्ट अच्छे क्वालिटी का 42 रुपीज से 52 रुपीज पर केजी तक बिक जाता है, वहीं पे इस तरह की छोटी कंपनी में आप 17 रुपए से 30 रुपए पर केजी तक लिनो बैग उठा सकते हो। और अगर मार्केट में वही 30 रुपए का बैग अगर आप 50 रुपए किलो में बेच रहे हो तो भी आपको 20 रुपए किलो पे प्रॉफिट है, तो ऐसे कंपनी का आपका फायदा होगा। अब ये व्यक्ति साल भर तो इंतजार करेगा नहीं, और अगर इसने रेट बढ़ा के भी दे दिया तो रेट बढ़ाने का मतलब क्या जब ये साल भर इंतजार कर नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, हमेशा अपने पास इस तरह का बैकअप रखें और हमेशा प्लान बी रखें। व्यापारी के पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना अनिवार्य है। व्यापारी का मतलब ही वो होता है जहां पे कोई रास्ता नहीं बना पाए वहां पे व्यापारी रास्ता बना लेता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो इसको अमल में लाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। मैं आपका भाई मुनीश अपने आजम आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक बटन दबाइएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खास तौर पर मैं उन सारे व्यक्तियों से ये बात कहना चाहता हूं जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ये बात जान लें कि मैं वीडियो के शुरुआत में या वीडियो के मध्य में यानी वीडियो के बीच में कभी आपसे नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि मैं आपको वो कंटेंट देता हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। उस पूरे कंटेंट में कहीं पे भी सब्सक्राइब का विषय निकाल के आपका ध्यान नहीं भटकाता। जब वीडियो अंत हो जाता है या अंत होने के करीब होता है, जब आपको भी पता हो गया कि मिर्च मसाला मुझे मिल चुका है, अब आगे कुछ नहीं रहा, तब मैं आपसे सब्सक्राइब की गुजारिश करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। मेरे भाइयों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि खान साहब कहते हैं जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो आइए हम एक बड़ा परिवार बने और एक साथ जुड़े। और अगर आप में से किसी को भी प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहिए या वो हमारे साथ व्यापार करना चाहता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे टाइमिंग अनुसार वो हमें कॉल कर सकता है। हम प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी निःशुल्क फी सबिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का व्यापार कर रहे हैं या प्लास्टिक स्क्रैप के बारे में अधिकतम जानकारी चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में, 11 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए, उसमें से किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप ज्वाइन हो जाए। वहां पे आपको खरीदने वाले, स्क्रैप खरीदने वाले व्यापारी, स्क्रैप बेचने वाले व्यापारी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो मिलेंगे ही, स्क्रैप की डील्स भी मिलेंगी और स्क्रैप से रिलेटेड अपडेट भी मिलेंगे। और मेरे भाइयों, अगर आप अपने फीडबैक को, सजेशंस को, एप्रिसिएशन को शेयर करना चाहते हो तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है। मेरे दोस्तों, मैंने सुना है कि आजकल लोग फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम वापर रहे हैं, और अगर आप भी इंस्टाग्राम वापरते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का हैंडल दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं आपका भाई मुनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।